मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ऐसे अनेक युवाओं को रोजगार दे रहा है जिनके पास जमीन नहीं है। हरियाणा के अंबाला जिले के भेलाई गांव के प्रवीण की कहानी संघर्षों पर विजय पाकर सफल बनने की कहानी है। जमीन और रोजगार न होने के कारण वो कभी छोटी मोटी दुकान चलाते थे। जब मधुमक्खी पालन शुरू किया तो आज वो न सिर्फ 250 मधुबक्सों के मालिक हैं, बल्कि प्रति बक्सा औसतन 40 से 50 किलो तक का उत्पादन लेते हैं। प्रवीण साल भर में लगभग 8000 किलो शहद तैयार कर लेते हैं, जिसे 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर उन्हें 8 लाख तक की आमदनी होती है। इसमें से अगर लागत के तौर पर 2.5 लाख से ऊपर का खर्च हटा दें, तो प्रवीण को सालाना लगभग 5 लाख से ऊपर की शुद्ध आय हो जाती है। गर्मी में मधुमक्खी बक्सों से कम ही बाहर निकल पाती हैं, जिससे उसे परागकण नहीं मिल पाता। ऐसे में मधुमक्खियों को जिंदा रखने के लिए कृत्रिम आहार यानी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। कृत्रिम आहार बनाने के लिए 1 भाग चीनी को 2 भाग पानी में घोला जाता है। मतलब अगर आप 200 ग्राम चीनी का मिश्रण तैयार करना चाहते हैं, तो आपको 400 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इस मिश्रण को मधुबॉक्स के अंदर एक किनारे रखें, जिससे मधुमक्खियों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। मधुमक्खी पालक पहले शहद का उत्पादन सीजनल कर पाते थे, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप साल भर शहद का उत्पादन ले सकते हैं। कुछ रिसर्च और अनुभवों के बाद ये पाया गया है कि मधुमक्खी पालन में अगर उचित फसल चक्र के अनुसार मधुबक्सों को रखा जाए तो उत्पादन ज्यादा मिलता है। साल भर ऐसी फूल वाली फसलों को चुने जिससे मधुमक्खियों को उनका भोजन परागकण लगातार मिलता रहे। जैसे अगर आप अपने इन बक्सों को तोरिया सरसों के खेतों के बाद लीची और लीची के बाद यूकेलिप्टिस करंज जैसे सीजनल फूल वाले पौधों के बीच रखते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको मधुमक्खी पालन पर हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर इससे प्रेरित होकर आप इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग किसी उपयुक्त संस्थान या अनुभवी मधुमक्खी पालक से ज़रूर लें। जब आप इसकी बारीकियों को जानेंगे तो जाहिर है सफल होंगे। और अगर इस तरह आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर मधुबक्सों और मधुमक्खियों के बेहतर देखभाल करें, तो तय है कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।